हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर ईआर 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। आपकी स्टडी के लिए हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 को कई यूनिट में डिवाइड किया था और आज हम जानेंगे यूनिट नंबर 5 ड्राइंग के बारे में। सबसे पहले यूनिट में हमने डिस्कशन किया था साइज रिडक्शन के बारे में, सेकेंड यूनिट में हमने डिस्कशन किया था साइज सेपरेशन के बारे में, थर्ड यूनिट में मिक्सिंग के बारे में और फोर्थ यूनिट में फिल्ट्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे जो कि है ड्राइंग। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यूनिट नंबर 5 ड्राइंग। ड्राइंग इज डिफाइंड एज अ रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट आर अदर लिक्विड फ्रॉम अ मटेरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम स्मॉल अमाउंट में वाटर या लार्ज अमाउंट में वाटर को रिमूव करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी हीट के द्वारा हम वाटर को रिमूव करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। यानी ड्राइंग इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम द अप्लाई द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ड्राइंग बोलते हैं। इट इज जनरली मास ट्रांसफर प्रोसेस इन विच वाटर आर अनदर सॉल्वेंट इज रिमूव्ड बाय द इवोपरेशन फ्रॉम अ सॉलिड सेमी सॉलिड आर लिक्विड प्रोसेसेस। यानी कि ये जनरली क्या होता है? मास ट्रांसफर होता है। यानी ड्राइंग में मास का ट्रांसफरिंग होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जो भी वाटर लिक्विड है वो लिक्विड फेज में पड़ा हुआ है, हमारे जो भी मटेरियल है उसमें क्या है? वो लिक्विड है, वो लिक्विड फेज में है। अगर उसमें से हम क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड क्या होगा? इवोपरेट होगा। अब लिक्विड इवोपरेट से मतलब है कि उसका वेट जो होगा वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, यानी कि वेट लॉस होता है। उसी प्रकार ये बोल रहा है इस पॉइंट में, ये है इट इज जनरली मास ट्रांसफर प्रोसेस। इसलिए ये क्या है? जनरली मास ट्रांसफर प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं बाय द अप्लाइंग ऑफ द हीट, या तो वो सॉलिड हो या सेमी सॉलिड हो या लिक्विड हो। किसी भी सब्सटेंसेस से हम लिक्विड को रिमूव कराते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग इज फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द बल्क ड्रग प्रिपरेशन। किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन के लिए लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है ड्राइंग। सबसे पहले हमने क्या किया था? साइज रिडक्शन किया था, उसके बाद हमने साइज सेपरेशन किया था, उसके बाद हमने मिक्सिंग की थी, उसके बाद फिल्ट्रेशन किया था। अब लास्ट स्टेज जो है वो उसको क्या कहें? उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके नोट्स को आप हमारे वेबसाइट www.notescard.com पे जाके वहां से नोट्स को भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ड्राइंग एंड इवोपरेशन आर डिस्टिंग्विशेबल बाय द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ द लिक्विड रिमूव फ्रॉम द सॉलिड। यानी कि सॉलिड से लिक्विड रिमूव करने के लिए ड्राइंग और इवोपरेशन दो टर्म होती है, दोनों क्या होती है? डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि एक तरह से कुछ समानता होती है या दोनों ही जनरली यूज की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए हम जानते हैं ड्राइंग और इवोपरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन इवोपरेशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज आइदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इवोपरेशन के बाद जो भी हमने किसी भी मटेरियल का अगर हमने इवोपरेट किया है तो जो भी उससे हमें मटेरियल मिलेगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। याद रखिएगा आप लोग कि अगर आप इवोपरेशन करा रहे हैं तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आप लोगों को एक सॉल्यूशन की तरह मिलेगा। यानी कि आफ्टर या फाइनली इवोपरेशन कंप्लीटेड देन वी ऑब्टेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग बोलेंगे हम इवोपरेशन। फिर ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑब्टेन आइदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सस्पेंशन स्लरी। इन ड्राइंग सॉलिड इज फाइनल प्रोडक्ट। और ड्राइंग करने के बाद जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वह कैसा होगा? वो सॉलिड प्रोडक्ट होगा। याद रखिएगा आप लोगों को दो चीजें याद रखिएगा, इवोपरेशन के दौरान जो लास्ट आपका प्रोडक्ट होगा वो सस्पेंशन के फॉर्म में होगा या सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आपने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग करने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बचेगा वो मेनली किस तरह का होगा? वो सॉलिड की तरह होगा। तो यहां से एक आप लोगों के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर द ड्राइंग विच टाइप आप मोलिक्यूलर ऑब्टेन। तो आप लोगों को कैसे उसमें क्या ना हो या उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन सस्पेंशन, तो आप उस पर किस का कौन सा ऑप्शन ट्रिक करेंगे? सॉलिड। तो ये हो गया आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक यहां से बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग की एप्लीकेशन क्या होती है, क्यों हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं वो चीजें हम समझते हैं। तो ड्राइंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिटीरियरेशन। यानी कि ड्राइंग प्रोसेस की वजह से हम क्या करते हैं? मटेरियल के डिटीरियरेशन को बचाते हैं। डिटीरियरेशन का मतलब होता है खराब होना।
अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है अगर उसमें नमी है तो वो जल्दी उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ माइक्रोबियल ग्रोथ उस पर जल्दी होगी, लेकिन अगर आप उसको ड्राई कर देते हैं तो ड्राई करने के बाद आप उसको क्या कर इजिली वो बच जाएगा, ठीक है। इसलिए ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। ड्राइंग प्रोड्यूस मटेरियल प्रॉपर शेप यूनिफॉर्म साइज एंड इनहेंस सोल्यूबिलिटी, यानी ड्राइंग करने के बाद जो भी हमारा पार्टिकल है यानी कि जो भी उसमें ड्रग है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी शेप साइज क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म हो जाएगी, और हमें पता है यूनिफॉर्म साइज और शेप ही हम फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। अगर उस टाइप का यूज करते हैं तो ड्राइंग इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या करता है, इनहांस सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ा देता है कौन, ड्राइंग। ड्राइंग करने के बाद सॉल्युबिलिटी भी ड्रग की क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट आगे बात करें, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर मेक द मटेरियल लाइट इन वेट, यानी कि जब आप ड्राइंग करते हैं तो उसमें से क्या होता है, मॉइस्चर निकल जाता है। अगर मॉइस्चर निकल जाता है इसका मतलब कि वो लाइट इन वेट हो जाता है, यानी कि मास का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यानी कि मास ट्रांसफर हो गया, यानी कि उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। एंड रिड्यूस द बल्क, सो ड्राइंग इंप्रूव द हैंडलिंग प्रोसीजर, और इसी प्रकार से क्या करता है, ड्राइंग करने से हैंडलिंग प्रोसीजर में बहुत ज्यादा ही आसान होता है। कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको अगर ड्राइंग कर देंगे तो उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, और वेट कम हो जाएगा तो उसकी हैंडलिंग हमारे लिए क्या हो जाएगी, सुविधाजनक हो जाएगी, और सुविधाजनक होने से हम उसके फार्मास्यूटिकल डोजेज इजिली बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अप्लीकेशन ऑफ द ड्राइंग। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइंग यूज इन द ड्राइंग प्रोसेस, यानी कि ड्राइंग प्रोसेस के दौरान किस टाइप के ड्रायर को यूज किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, स्टैटिक बेड ड्रायर। स्टैटिक बेड ड्रायर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ड्रायर देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट अमंग द सॉलिड पार्टिकल्स बीइंग ड्राइड, यानी कि इस ये एक ऐसा ड्रायर होता है जिसमें पार्टिकल को जब ड्राई किया जाता है तो उसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि रिलेटिव मूवमेंट का मतलब होता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से चल रहा होता है या वो कैसा मूवमेंट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ किस टाइप का बिहेव कर रहा है उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। तो इस टाइप का मोशन नहीं होता है दो दियर में भी बल्क मोशन ऑफ इंटायर ड्राइंग मास। इस प्रकार क्या होता है कि इस ड्राइंग प्रोसेस में जो भी हमारा इंटायर मास होता है ड्राइंग के लिए वो पूरा क्या करता है, फ्लो करता है, यानी उसका क्या होता है, कंप्लीटली उसी का ड्राइंग होता है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर। तो आप लोग याद रखिएगा स्टैटिक बेड ड्रायर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मूविंग बेड ड्रायर, इन दिस टाइप ऑफ ड्रायर पार्टिकल्स आर पार्शियली सेपरेटेड टू डेट दे फ्लो ओवर ईच अदर। इसमें क्या होता है, यह इस टाइप का ड्रायर होता है जिसमें इसमें जो पार्टिकल होते हैं पार्शियली क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करते हैं, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो मोशन होता है वो करता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्रम ड्रायर, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ड्रम ड्रायर। ड्रम ड्रायर किसका एग्जाम्पल है, तो मूविंग वेट ड्रायर का एग्जाम्पल होता है। फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, इन दिस टाइप ऑफ द ड्रायर सॉलिड पार्टिकल्स आर पार्शियली सस्पेंडेड इन द अपवर्ड मूविंग हीटेड गैस सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक जो गैसियस सिस्टम होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, स्थिर होते हैं। अब सस्पेंडेड होते हैं तो जब वो गैस फ्लो करती है तो उसी हिसाब से हमारे पार्टिकल भी फ्लो करते हैं और क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। नेक्स्ट न्यूमेटिक ड्रायर, इन दिस टाइप ऑफ द ड्रायर पार्टिकल्स आर इंटेंड एंड कन्वेयर्ड एट द हाई वेलोसिटी गैस स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस टाइप ऑफ ड्रायर पार्टिकल्स आर इंटेंड एंड कन्वेट एट हाई वेलोसिटी गैस स्ट्रीम। इसमें जो ड्रायर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ उसको क्या किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। हाई वेलोसिटी के साथ उसको अगर फ्लो कराया जाता है तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होती है उतनी जल्दी वो क्या होता है, ड्राइनेस होने लगती है। और इसका एग्जाम्पल होता है स्प्रे ड्रायर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्प्रे ड्रायर। तो आप लोगों को बेसिकली चार ड्रायर दिए गए हैं, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक होता है स्टैटिक ड्रायर जिसका एग्जाम्पल होता है ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर, मूविंग बेड ड्रायर जिसका एग्जाम्पल होता है ड्रम ड्रायर, और फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर जिसका एग्जाम्पल होता है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, और न्यूमेटिक ड्रायर जिसका एग्जाम्पल होता है स्प्रे ड्रायर। तो एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों का ऑनलाइन क्वेश्चन हो, आप लोगों का अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चंस आएंगे, और उस क्वेश्चंस के लिए ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसे आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका ये लेक्चर चल रहा है तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और आप उस लेक्चर को देखते रहिए। उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है या याद करने वाला पॉइंट लग रहा है उसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन अलग से कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो लेक्चर ले रहा हूँ, मुझे जहाँ पे लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को ऐसे वैसे बताते जाऊँगा, आप वहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करते रहिएगा और वहीं से हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाए। इसलिए आप लोग कोशिश करिए फ्रेंड, किसी का भी लेक्चर लेते रहिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास कॉपी और पेन जरूर हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप लोगों की स्टडी क्या होती है, ईजी हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर के बारे में समझते हैं। फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसका प्रिंसिपल सबसे पहले समझेंगे। इन फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर हॉट एयर गैस इज पास्ड एट हाई प्रेशर थ्रू द परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग द ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड। यानी फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर ऐसा होता है जिसमें हॉट एयर गैस को क्या की जाती है, फ्लो कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट से उस इक्विपमेंट पे क्या होता है, एक मेस लाइक स्ट्रक्चर या बॉटम होता है जिसपे क्या करते हैं, कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को रख देते हैं। अब उस मटेरियल को क्या करना है, ड्राई कराना है। तो नीचे से हम क्या करेंगे, प्रेशर से एयर को फ्लो कराएंगे जो कि क्या होगी, वो हॉट होगी। और हॉट एयर होगी तो वो क्या करेगी, पार्टिकल को ड्राई कर देगी और ड्राई करने के बाद पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रेन्यूल्स आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंडेड इन द स्टीम ऑफ द एयर। अब क्या होंगे, जैसे ही आप एयर को फोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी एयर प्रोवाइड करेंगे, एयर को फ्लो कराएंगे, तो जो बॉटम में पार्टिकल्स होंगे वो क्या होने लगेंगे, वो भी स्ट्रीम के साथ लिफ्ट हो जाएंगे और लिफ्ट होने के साथ साथ वो एयर के साथ क्या होने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन वो क्या होता है, वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड होने का मतलब एक जगह स्थिर ही होते हैं, वो चलेंगे तो एयर के साथ ही लेकिन एक जगह पे स्थिर ही होंगे, उसमें पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो उस टाइप की जो कंडीशन क्रिएट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूडाइज स्टेट बोलते हैं। यानी कि फ्लूडाइज स्टेट कब किस इक्विपमेंट या किस ड्रायर में आती है, तो ये फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर में आती है। अपन इससे जान जाएंगे कि फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर में फ्लूडाइज स्टेट भी आती है। द हॉट गैस इज सराउंडेड एवरी ग्रेन्यूल्स टू कम्प्लीटली। और जो हॉट एयर जो हमने प्रवाहित कराई है, ये जो हमने फ्लो कराया है, वो सभी ग्रेन्यूल्स को क्या करता है, पर्टिकुलरली घेर लेता है, यानी कि उसको सराउंड कर लेता है। अब सराउंड करने की वजह से जितने भी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होते ही हमारा जो होता है फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया फ्लूडाइज ब्रेड ड्रायर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन। टू टाइप्स ऑफ बेड ड्रायर आर अवेलेबल, वर्टिकल फ्लूडाइज बेड ड्रायर और हॉरिजॉन्टल फ्लूडाइज बेड ड्रायर। यानी कि टू टाइप के बेड ड्रायर्स आते हैं, एक होता है वर्टिकल फ्लूडाइज बेड ड्रायर और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल फ्लूडाइज बेड ड्रायर। वर्टिकल फ्लूडाइज बेड ड्रायर इज मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। तो जो भी हमारा वर्टिकल फ्लूडाइज बेड ड्रायर होता है, या तो वो स्टेनलेस स्टील का बना होगा या तो प्लास्टिक मटेरियल का बना होगा। अ डी अटैचेबल बाउल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर विच इज यूज टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब इसमें देखिए क्या होता है, एक बाउल होता है, ठीक है, जो भी हमारा कंटेनर होता है उसमें बाउल को हम रखते हैं, वो क्या होता है, डी अटैचेबल का मतलब उसको निकाला भी जा सकता है और उसमें उसको प्लेस भी किया जा सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को रख देते हैं और उसके बाद हम अपने जो भी मटेरियल है उसको क्या करते हैं, कंटेनर में प्लेस कर देते हैं। यानी यही बोल रहा है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी कि वो चार्जिंग करने के योग्य, यानी कि उस पर हम मटेरियल को लोड भी कर सकते हैं और उसके बाद जो ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको इजिली निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें, द बाउल हैज अ परफोरेटेड बॉटम विथ अ वायर मेश सपोर्टेड फॉर द प्लेसिंग मटेरियल टू बी ड्राई। अब क्या करते हैं, हम बाउल में जो भी मटेरियल हमें ड्राई करना है उसको रख देते हैं और वो इजिली क्या होता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम अपने जो मटेरियल होता है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपन हम पढ़ेंगे, ए फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ सर्कुलेटिंग एयर। अब क्या होता है, ऊपर का भी फैन भी लगा होता है, ऊपर क्या होता है, जो ऊपर कंटेनर होता है उस पर फैन भी लगा होता है और फैन की वजह से भी जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है और उसकी स्पीड अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो ड्राइंग प्रोसेस होती है उसमें क्या बनेगी, हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैक फिल्टर्स आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बाउल फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइंस। उसके बाद नीचे क्या होता है, बैक फिल्टर्स लगा होता है, बैक फिल्टर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल ड्राई हुआ है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं और ऑब्टेन करने के बाद हम उसको फार्मास्यूटिकल यूजेज फॉर्म में यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ओके, यहां तक आप लोगों को इजिली समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, वर्किंग प्रोसेस एंड फ्लूडाइज बेड ड्रायर। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आपने डायग्राम इसमें नहीं मेंशन किया है, आपने इस यूनिट में डायग्राम का यूज नहीं किया। तो सही बात है, हम लोगों ने डायग्राम का यूज नहीं किया है क्योंकि डायग्राम जो है अभी
हमने नोट्स बनाया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर जल्दी से लेक्चर को अपलोड कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो डायग्राम बनाने में थोड़े समय लगते हैं इसलिए हमने डायग्रामेटिक व्यू नहीं तैयार कर पाए हैं, इसलिए आप लोगों को हमने नोट्स को पूरा कम्प्लीटली अच्छे से बनाया है जिसमें इजी लैंग्वेज का यूज किया है कि आप लोगों को इजिली, आप लोग इसे अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। और रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम आप लोग को जनरली किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप कोई किसी भी बुक को प्रेफर कर लीजिए, आप लोगों को किसी भी बुक में आप लोगों को एक डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मैं नहीं कहता कि डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हमने इस लैंग्वेज को मॉडिफाई कर लिया है, इतना ईजी लोग लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है कि आप लोग इजिली उसका कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग कोशिश कीजिएगा किसी बुक से आप लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल अगर आप नोट से पढ़ के देखेंगे तो शायद आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड ब्रेड ड्रायर की। नेक्स्ट, द वेट ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड इन द बाउल एंड पुश्ड इनटू द ड्रायर। हम बाउल में क्या करते हैं, अपने मटेरियल को रख लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं ड्रायर में प्लेस कर देते हैं। फ्रेश एयर इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्री फिल्टर विच सब्सिक्वेंटली गेट हीटेड बाय पासिंग थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्रेश एयर को हम क्या करते हैं फ्लो कराते हैं, अब उसके बाद जो फ्रेश एयर फ्लो होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर से फ्लो कराते हैं। हीट एक्सचेंजर से जैसे ही एयर जाती है तो वो क्या हो जाती है हवा, वो गर्म हो जाती है, यानी कि वो एयर होती है वो क्या हो जाती है हॉट हो जाती है, और हॉट होते ही जो हमारा मटेरियल पार्टिकल होता है उस पर जाकर गिरती है, और जैसे ही वो उस पर गिरेगी तो वहां पे हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा ड्राई हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, समस्टली फैन इज अलाउड टू रोटेट, और उसी समय हम फैन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम फैन को स्टार्ट करेंगे तो जो एयर की वेलोसिटी हुई, यानी कि जो हॉट एयर फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, द ग्रेन्यूल्स राइज इन द कंटेनर बिकॉज द हाई वेलोसिटी गैस 1.5 टू 7.5 मीटर पर मिनट एंड लेटर फॉल बैक इनटू द रैंडम मोशन, दिस कंडीशन इज सेड टू बी द फ्लूइडाइज्ड स्टेट। अब इसके क्या होगा, जो भी हमारी एयर फ्लो कर रही थी फैन ऑन होने की वजह से उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। अब उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से जो भी पार्टिकल होंगे हमारे एयर के साथ फ्लो करेंगे और एक जगह पे सस्पेंडेड हो जाएंगे, यानी कि एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे फ्लूइडाइज्ड स्टेट। उसे क्या बोलेंगे हम, फ्लूइडाइज्ड स्टेट बोल देंगे फ्रेंड्स। ठीक, द गैस सराउंडेड एवरी मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीटली ड्राई देम, और क्या जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कंप्लीट पार्टिकल के साथ क्या होते हैं अटैच होते हैं और उसको क्या कर देते हैं ड्राई कर देते हैं। ड्राई होने के बाद हम बैक फिल्टर्स की सहायता से उसको अपने जो भी मटेरियल है उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और आगे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, यूजेज एप्लीकेशंस क्या होती है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट की प्रिपरेशन के लिए इसका ग्रेन्यूल्स जो होता है, यानी कि इससे ड्राइंग प्रोसेस जो की जाती है वो टैबलेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कैन बी यूज्ड फॉर थ्री ऑपरेशन सच एज मिक्सिंग ग्रेन्यूलेशन एंड ड्राइंग, यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है थ्री ऑपरेशन में यूज किया जाता है, मिक्सिंग में भी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज होता है, ग्रेनुलेशन में भी और ड्राइंग प्रोसेस में भी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, द ड्राइंग कंटेनर्स आर मोबाइल मेकिंग हैंडलिंग सिंपल एंड रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, यानी कि जो भी ये मटेरियल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है उसके जो कंटेनर्स होते हैं मोबाइल होते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया जो बाउल होता है वो डी अटैचेबल होता है, यानी कि उसको आप इजिली निकाल भी सकते हैं और कंटेनर के अंदर प्लेस भी कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम मोबाइल बोलेंगे। मेकिंग हैंडलिंग सिंपल, इसकी हैंडलिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है एंड रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, और इसमें लेबर की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर द लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग डेट इन द 20-40 मिनट्स कंपेयर टू द 24 आवर्स ऑफ द ट्रे ड्रायर। इसके लिए क्या होता है, जो ड्राइंग प्रोसेस होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए ही होता है, यानी कि 20-40 मिनट्स में ही इसकी ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जबकि ट्रे ड्रायर में ये 24 आवर्स भी लगता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एडवांटेज इसका रखता है। नेक्स्ट, इट फैसिलेट द ड्राइंग ऑफ द थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस सिंस द कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ द ड्राइंग इन शॉर्ट, यानी कि ये थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, यानी थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारा ड्राइंग मटेरियल रखा जाता है, यानी कि जो भी ड्राइंग प्रोसेस होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यानी 20-40 मिनट्स के लिए होता ही है, उतने में हमारा ड्राइंग हो जाता है, इसलिए थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर यही टाइमिंग ज़्यादा होता, अगर मान लीजिए 3-4 घंटे का होता, तो जो भी हमारा थर्मोलेबाइल सबस्टेंस है वो क्या होता, डिटेरियोरेट हो जाता या रिएक्टिव हो जाता। तो इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत कम समय के लिए यूज होता है और ये थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है।
है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका क्या, किसी भी चीज का है एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, मेनी ऑर्गेनिक पाउडर्स डेवलप्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ड्यूरिंग द ड्राइंग। जब ड्राइंग हो रही होती है तो कई चार्ज ऐसे होते हैं, यानी कि कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो चार्ज प्रोड्यूस करने लगते हैं, और चार्ज प्रोड्यूस करने के कारण उनमें क्या होता है, एट्रीशन या अदर टाइप्स की रिएक्शंस होने लगती हैं। रिएक्शंस के कारण क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट डेटेरियोरेट हो सकता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेशन। नेक्स्ट, द टर्बुलेंस ऑफ द फ्लूडाइज स्टेट ऑफ द ग्रेन्यूल्स मे कॉज द एट्रीशन ऑफ द सम मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द फाइन ग्रेन्यूल्स। उसके बाद से ठीक है, तो टर्बुलेंस का मतलब होता है हलचल। जब एयर फ्लो करती है तो हमारा पार्टिकल्स होता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या होती है, हलचल पैदा होती है। तो कभी कभी क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। अब जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ टकराएगा तो वो क्या करेगा, आपस में क्या होता है, रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करने के साथ ही हमारा जो भी हमने डोजेज फॉर्म बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डेटियोरियोरेट हो जाएगा। इसलिए ओवरकम दिस प्रॉब्लम सटेबल बाइंडिंग एजेंट इज यूज, यानी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बाइंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब बाइंडिंग एजेंट का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल एक दूसरे के साथ बधे रह गए, उसको हमने इजिली ड्राई कर दिया तो वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएंगे। अदरवाइज अगर उन्हें हमने बाइंडिंग एजेंट से नहीं बांधा तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइप की रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करने की वजह से जो भी हमारा ये प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया फ्लूडाइज बेड ड्रायर। नेक्स्ट हम सब पढ़ेंगे फ्रीज ड्रायर के बारे में। फ्रीज ड्रायर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इन फ्रीज ड्रायर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय द सब्लिमेशन दैट इज डायरेक्टली चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉलिड इन वेपर विदाउट कन्वर्जन टू द लिक्विड फेज। फ्रीज ड्रायर में क्या होता है, जो भी हमारा फ्रीज फ्रोजन स्टेट का जो भी वाटर होता है या कोई मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेपर में बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कोई भी मटेरियल होता है तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से वेपर में जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, यानी इस ड्रायर में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट हमारा मटेरियल किस में जाता है, गैसियस फॉर्म में, यानी कि वेपर फॉर्म में जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द वेपर फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो आप लोग इजीली समझिएगा इसको, इसमें क्या होता है, हीट इज सप्लाइड विच ट्रांसफर एज लेटेंट हीट एंड आइस सब्लिमेट ड्यूरिंग द वेपर स्टेट। इसमें जो भी हीट सप्लाइड की जाती है उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स में लेटेंट हीट के बारे में होती है। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है, उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। हम अपने सॉलिड जो भी फ्रोजन पार्टिकल है उसको हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट प्रोवाइड कराते हैं, और वो जैसे ही लेटेंट हीट उसको मिलता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आइस में वेपर में कन्वर्जन। यूटेक्टिक पॉइंट होता है, एक यूटेक्टिक पॉइंट टर्म आता है, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच द फ्रोजन सॉलिड वेपराइज विदाउट कन्वर्जन टू अ लिक्विड इज रेफर्ड एज द यूटेक्टिक पॉइंट। यानी कि वह प्रेशर और वह टेम्परेचर, जिस प्रेशर और टेम्परेचर पर कोई भी फ्रोजन सॉलिड अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी कन्वर्जन टू लिक्विड इज रेफर्ड एज अ यूटेक्टिक पॉइंट। यानी कि वह प्रेशर और वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी फ्रोजन सॉलिड लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। याद रखिएगा ये टर्म यूटेक्टिक पॉइंट, ये भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। यूटेक्टिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि यह ऐसा पॉइंट होता है, यानी कि यह ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर होता है जिसपे हमारा जो सॉलिड मटेरियल है वह लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग चेंबर इज विच ट्रे आर लोडेड। इसमें जो ड्राइंग चेंबर होगा उसमें क्या होता है, ट्रेस लगे होते हुए, ठीक है, ट्रे लगे हुए होते हैं, हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन सोर्स और हीटिंग कॉइल। अब उस ट्रे पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को रख देते हैं, उसके बाद हम क्या कराते हैं, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, या तो क्वाइलिंग यानी कि हीट क्वाइल, ठीक है, हीटिंग क्वाइल जो होता है उसके द्वारा हम उसको एनर्जी प्राप्त कराएं, या रेडिएशन सोर्स के द्वारा हम उसको क्या दें, एनर्जी दें। अब जैसे ही ये होगा वेपर कंडेंसिंग और एडजॉर्प्शन सिस्टम, अब उसमें क्या लगा होता है, वेपर कंडेंसिंग सिस्टम भी लगा होता है और एडजॉर्प्शन सिस्टम भी लगा होता है। जैसे मान लीजिए जब भी आप उसको हीट देंगे तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और उस वेपर को क्या करना होता है, कंडेंस करना होता है, ठीक है, कंडेंस भी करना होता है या एडजॉर्प्शन करना। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी सरफेस पे किसी पार्टिकल को
प्लेस कर रहा है उसे क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। वैक्यूम पंप और स्टीम इजेक्टर आर बोथ, वैक्यूम पंप भी लगा होता है और स्टीम इजेक्टर भी लगा होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टीम को निकालना भी होता है इसलिए, और वैक्यूम को पंप को भी क्योंकि प्रेशर को कम भी करना पड़ता है कभी कभी, इसलिए हम स्टीम वैक्यूम पंप और स्टीम इजेक्टर दोनों को भी उसमें रखते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ द फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है तो पढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ फ्रिज ड्रायर इंक्लूड इन द मेनी स्टेप, यह कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, यानी ठीक है जो भी हमारा मटेरियल ड्राइंग करना है तो उसको सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द कंटेनर इज लिमिटेड बाय इट्स कैपेसिटी, इसमें जो भी हम वॉल्यूम का कंटेनर यूज करते हैं उसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है ये एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है लिमिटेड होती है, इसलिए हम लिमिटेड अमाउंट में मटेरियल का यूज करते हैं। सेटिस्फैक्टरी फ्रिज ड्राइंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ द डेप्थ लिक्विड इज नॉट पॉसिबल, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा मटेरियल का यूज किए करेंगे तो आपकी फ्रिज ड्राइंग जो होगी वो नहीं हो पाएगी, इसलिए इसकी एक लिमिटेशन होती है कि आप जितने अमाउंट तक सबस्टेंस यूज कर सकते हैं उतने ही अमाउंट तक आप सबस्टेंसेस को यूज कीजिएगा। Therefore, pre-treatment is essential. इसीलिए pre-treatment essential होता है. The solution is pre-concentrated under the normal vacuum drying and final product become more porous. अब क्या करते हैं इसमें? जो भी हमारा solution है उसको pre-treatment करेंगे. Pre-treatment का मतलब क्या होता है? Vacuum ट्रेड ड्राइंग, यानी कि उसको हम नॉर्मल ड्राइंग करेंगे, नॉर्मल जब ड्राइंग हो जाएगा वो तो वो क्या हो जाएगा मोर पोरस हो जाएगा, ठीक है अब ड्राइंग करने में और इजी हो जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे pre-treatment, यानी कि उसको हम फिर जाके जो भी हमारा कंटेनर होगा उसमें हम यूज करेंगे उससे ड्राईली हमें क्या हो जाएगा इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें प्री फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफाइंग वाटर, वायल्स एम्पूल आर बॉटल्स इन विच द एक्वा सॉल्यूशन इज पैक्ड एट द फ्रोजन इनटू द कोल्ड सेल्वेस अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, इसमें वायल्स एम्पूल्स या जो भी बॉटल्स होते हैं उसमें हम वाटर को क्या करते हैं फ्रीज करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे -50 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप लोग याद रखिएगा -50 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या करना होता है प्री फ्रीज करना होता है जो भी हमारा वायल्स एम्पूल या बॉटल्स होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कैबिनेट इज मेंटेन्ड एज लो टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, और उसी टाइम जो भी हमारा कैबिनेट होता है यानी कि जो भी हमारा चेंबर होता है उसमें हम टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक प्रेशर जो भी डिफाइंड टेम्परेचर और एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या होता है नेक्स्ट समझते हैं, अब उसके बाद क्या होती है प्राइमरी ड्राइंग होती है। प्राइमरी ड्राइंग कैसे, इन दिस स्टेप द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एज मच लार्ज सरफेस एंड पॉसिबल टू सब्लिमेशन, अब उसके बाद क्या करते हैं जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको हम पूरी तरह से क्या करते हैं फैला देते हैं, फैलाने से क्या होगा वो इजिली ड्राई हो जाता है, ठीक है इजिली सब्लिमाइज हो जाएगा। सब्लिमाइज का मतलब फिर से वही सॉलिड से डायरेक्ट वेफॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर डेट इज 0.098 डिग्री सेल्सियस एंड 0.533 किलो पास्कल फॉर द सब्लिमेशन व्हेन वाटर अलोन प्रेजेंट, जब टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है जब ट्रिपल पॉइंट से कम हो जाता है वाटर के, तब ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये वो कंडीशन होती है 0.0098 डिग्री सेल्सियस और 0.533 किलो पास्कल होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट एंड द सब्लिमेशन व्हेन वाटर अलोन प्रेजेंट, तो यानी कि जब वाटर प्रेजेंट होता है तो इस टाइम हम प्राइमरी ड्राइंग को करते हैं। प्राइमरी स्टेज रिमूव द इजिली रिमूवेबल मॉइस्चर, यानी कि इसकी वजह से हम क्या करते हैं इजिली मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज अबाउट 98-99% ऑफ वाटर इज रिमूव, ड्यूरिंग दिस स्टेज हम 98-99% जो वाटर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें सेकेंडरी ड्राइंग, द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज रेज टू एज 52 डिग्री सेल्सियस बट वैक्यूम इज लोअर्ड बिलो दैट आर द यूज टू द प्राइमरी ड्राइंग, यानी कि इसमें क्या होता है सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं पहुंचा देते हैं, यानी सेकेंडरी ड्राइंग में 50-60 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और उसके बाद प्राइमरी ड्राइंग से ज्यादा ही है, ठीक है द रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी लो एंड इट टेक्स द 10-20 आवर्स, यानी कि इसमें जो ड्राइंग होता है वो बहुत ही कम होता है और ये जो सबसे ज्यादा समय लगता है यानी 10-20 आवर्स का समय लगता है। पैकिंग क्या होता है आफ्टर वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय इनर्ट गैस द बॉटल एंड वायल्स आर क्लोज्ड, अब आफ्टर द वैक्यूम इज रिप्लेस यानी कि क्या करते हैं वैक्यूम की सहायता से हम उसको इनर्ट बना देते हैं, इनर्ट बनाने के बाद हम उसको बॉटल को या एम्पुल्स को हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं जिससे हमारा प्रिपरेशन क्या होता है तैयार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स यहां तक हमने पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका यूजेस क्या होता है।
इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म सच एज द इंजेक्शन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो जो भी ट्रेड ड्रायर होता है उसका यूज हम बेसिकली किसमें, इंजेक्शन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन को बनाने में करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द कल्चर प्रोसेस ऑप्टेनिंग फॉर एंटीबायोटिक्स, यानी कि कल्चर प्रोसेस में भी इसका यूज किया जाता है ऑप्टेनिंग फॉर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो भी कल्चर मीडियम बनाया जाता है या जो भी कल्चर कराया जाता है उसमें ट्रेड ड्रायर का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। एडवांटेज अगर बात करें, मॉइस्चर लेवल कैन बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल विदाउट डिकम्पोजिशन। इसमें जो मॉइस्चर का लेवल होता है उसको हम लो कर सकते हैं, जितना लो करना चाहे उतना लो कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन हुए बिना, यानी मटेरियल का डिकम्पोजिशन हुए बिना हम इसमें वो जो भी मटेरियल का टेम्परेचर है उसको हम क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। थर्मोलेबाइल मटेरियल कैन बी ड्राइड, इसमें क्या होता है थर्मोलेबाइल सबस्टेंसेस होते हैं उसको भी ड्राई किया जाता है। स्टेरिलिटी कैन मेंटेन, इससे स्टेरिलिटी भी मेंटेन रहती है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है माइक्रोबियल ग्रोथ इजिली होती ही नहीं है, तो इस टाइप से स्टेरिलिटी भी इसकी क्या होती है मेंटेन हुई होती है। डिसएडवांटेज का मतलब इक्विपमेंट कॉस्ट वेरी हाई, यानी कि इसका जो इक्विपमेंट इसमें यूज किया जाता है उसकी जो कॉस्ट रेट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज वेरी लॉन्ग, और इसमें जो पीरियड होता है ड्राइंग का वो क्या होता है बहुत ही लंबा समय लगने वाला होता है। आप लोगों ने देखा अभी सेकेंडरी जो ड्राइंग होती है उसी में 10 से 20 आवर्स लग जाते हैं, तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये भी हो गया कि ड्राइंग प्रोसेस के लिए इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगता है। तो यहां तक हो गया हमारा फ्लूडाइज बेड ड्रायर और ट्रे ड्रायर। नेक्स्ट, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है आज का यूनिट नंबर 5, यानी कि आपका ड्राइंग प्रोसेस जो होता है यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप लोग अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में इतना ही पढ़ना था, हमने आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर कर लिया है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी बुक से आप प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको नॉलेज कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे बस आप लोगों को इजीली समझ में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होता है या नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड। इसके पहले हमने यूनिट नंबर 1 यानी कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग और फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नोट्स की जरूरत है तो आप उस नोट्स को हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं यूनिट नंबर 6 जो कि ये लास्ट यूनिट होगी चैप्टर नंबर 3 की, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।